पश्चिमी यूपी में दहशत का पर्याय बने बवाना गैंग की तर्ज पर रायबरेली में भी पैसे वालों को धमका और डराकर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का सोमवार को राजफाश हो गया। एक मुठभेड़ के दौरान शहर कोतवाली और सर्विलांस स्वाट टीम ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 लाख रुपए, मोबाइल और अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। एसपी ने सराहनीय कार्य करने वाली टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। बीते दिनों लखनऊ एसटीएफ को रायबरेली शहर के एक बड़े व्यापारी की ओर से बताया गया था कि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कुछ लोग उससे अवैध तरीके से 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इस जानकारी पर एसटीएफ सक्रिय हुई। उसने रायबरेली के आला अफसरों से संपर्क किया। उसके बाद एसपी ने पूरे मामले को शहर कोतवाल और सर्विलांस व स्वाट टीम के सुपुर्द कर दिया। फिर पुलिस टीम उस व्यापारी के संपर्क में आ गई और सर्विलांस व अन्य सुराग रशी के तौर तरीकों से बदमाशों की टोह लेने लगी। इस दौरान कई 20 दिन बीत गए, लेकिन इतने ही दिनों में पुलिस को रंगदारी मांगने वाले और उनके ठोर ठिकाने, मोबाइल पर बातचीत सब कुछ हासिल हो गया। रविवार की रात शहर के गोंडवा गादियानी गांव में निर्माणाधीन जिला महिला कारागार के पास पुलिस ने घेराबंदी करके गिरोह के 5 युवकों अनुज यादव, शुभम यादव, सतीश यादव, अंकुश यादव व रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए, जो कि व्यापारी द्वारा इन्हें दिए गए थे। एसपी ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बवाना गैंग की तरह ये गिरोह भी रायबरेली रंगदारी मांगकर दहशत फैलाना चाहता था। शहर के एक बड़े व्यापारी से रंगदारी मांगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई, जिसमें पुलिस ने जल्द ही सफलता प्राप्त कर ली। 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जी देखिए, लगभग 20 दिन पूर्व हमको एक सूचना मिली थी एसटीएफ मुख्यालय से कि एक हमारे ही जनपद के संभ्रांत व्यापारी हैं, उनको निरंतर धमकी भरा कॉल आ रहा है, जो खुद को नीरज बवाना गैंग से होने का दावा करता है और लगातार उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। तो हमारा शुरुआती हमने एसटीएफ के साथ मिलके इसमें जानकारी इकट्ठा की और जो ये वादी हैं इनको हमने स्वयं बुलाया, उनको सुरक्षा दी। जब हमने इनसे पूरी डिटेल ली कि किस नंबर से कॉल आ रहा है और उसको लोकेशन पे लिया, सर्वेलेंस पे लिया, लिसनिंग सुनना शुरू किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि ये कोई पश्चिम यूपी का गैंग नहीं है जिसका ये दावा कर रहा है, बल्कि भाषा शैली से ये कोई लोकल ही लड़के हैं, लोकल गैंग है जो पिछले कुछ महीनों में गठित हुआ है और इस तरीके के प्रकरणों का ये शुरुआत कर रहा है। इस सूचना पे निरंतर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं पिछले 20 दिन से। इसी दौरान हमने 3 बार पुलिस टीम ने प्रयास किया इनको पकड़ने का। एक बार इन्होंने पुलिस पे फायर भी झोंका, सौभाग्य से हमारी किसी कर्मी को उसमें चोट नहीं आई, लेकिन पिछले दिन कल देर शाम जो हुई मुठभेड़, उसमें हमने इन 5 लोगों को अकाउंट फॉर कर लिया। ये 5 जो लोग हैं वो बदोकर, कोतवाली और मलेरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। 5 नाम हमने आपको बता दिए हैं और इनके हमने ट्रैप किया अपनी टीम के माध्यम से। 4 लाख रुपए प्रथम किश्त देने का इनसे तय कराया गया और जब हमारी टीम इनको ट्रैप करने पहुंची, वही मौके का फ़ायदा उठा के हमने इनको पूरा घेर लिया और पकड़ लिया। इस तरीके से जो एक ये बड़ा गैंग बनने जा रहा था रंगदारी का विशेष रूप से, और जिससे जनपद में आने वाले समय में यहाँ के प्रमुख व्यापारियों व अन्य संभ्रांत वर्ग को एक जान माल का खतरा हो सकता था, उसका जनपद पुलिस ने पटाक्षेप किया है और इसके लिए हमने पुलिस टीम को 15,000 रुपये से रिवॉर्ड भी किया। सर, कितने की रंगदारी थी और कब से परेशान किया जा रहा है? देखिए, पिछले लगभग 20 दिन से 1 करोड़ रुपये की शुरुआती रंगदारी ये मांग रहे थे, लेकिन बीच में जब इनकी बात निरंतर होती रही तो फिर इनको 4 से 5 लाख रुपए की रंगदारी के लिए ये राज़ी हुए और तिथि पे और समय पे राज़ी हुए। पिछले 2 प्रयासों में कहीं से ये बच निकले, इनको पकड़ने के प्रयास हमारी टीम ने किए थे, लेकिन जो 3रा प्रयास हमारा था कल देर रात का, उसमें ये पकड़े गए और जो प्रथम किश्त 4 लाख रुपए की थी वो इस प्रकरण में एक रिकवरी के तौर पर हमने बरामद की। साथ ही आपने देखा 3 अवैध असले साथ में पर्याप्त एमिनेशन इनसे बरामद किया गया, मतलब इन पे अच्छी खासी फायर पावर भी थी
और इससे बल मिलता है इस बात को कि अगर इनकी मांग को पूरा ना किया जाता तो कोई भी बड़ी घटना कारित कर सकते थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।